मेरठ में पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक के बेटे पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पूर्व सांसद के बेटे दानिश अखलाक पर शादी का झूठा झांसा देकर युवती से रेप करने का आरोप है। जिस युवती ने आरोप लगाया है वह दिल्ली की रहने वाली है। पुलिस ने मामले में आरोपी दानिश अखलाक को अब गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि युवती का संपर्क दानिश अखलाक से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर हुआ था, जिसके बाद दानिश अखलाक युवती से मिलने दिल्ली भी गया था। दरअसल दानिश अखलाक ने युवती को 22 अगस्त को दिल्ली से मेरठ में एक होटल में बुलाया था, जहां दानिश ने युवती का रेप किया। युवती ने बताया कि दानिश ने खुद को सिंगल बताकर प्रेम जाल में फंसाया है। मामला संज्ञान में तब आया जब युवती एसएसपी रोहित सिंह सजवाण से मिली और पूरी आपबीती बताई। युवती ने दानिश अखलाक पर अश्लील वीडियो बनाने का भी आरोप लगाया है। युवती ने एसएसपी को इंस्टाग्राम चैट भी दिखाई, जिसके बाद पुलिस ने पूर्व सांसद के बेटे के खिलाफ परतापुर थाने में केस दर्ज कर लिया है। देर रात भी मामले में पुलिस ने पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के घर पर दबिश दी थी। हम आपको बता दें कि आरोपी दानिश से पुलिस को पूछताछ में कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। दानिश के मोबाइल फोन से भी कई सुराग मिले हैं। पुलिस उस होटल में जांच कर रही है जिस होटल में दानिश पर युवती को बुलाने का आरोप है, लेकिन पुलिस को होटल के 22 अगस्त का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। मामले में युवती के बयान भी दर्ज कर लिए गए हैं। अब पुलिस आरोपी दानिश को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। एसएसपी ऑफिस में एक लड़की ने आके एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें उसके द्वारा यह अंकित किया गया था कि उसकी इंस्टाग्राम पे एक लड़के से दोस्ती हुई, उसके बाद नंबर का एक्सचेंज हुए और उसके बाद उस लड़के ने उसको शादी का झांसा देकर परतापुर बाईपास पर स्थित एक होटल में बुलाया, जहां उसके साथ रिलेशनशिप बनाया। इसके बाद लड़की की जानकारी माता है, वो पहले से शादीशुदा है। इस प्रकार उसने इस तरह के एलिगेशन लगाए कि इसके द्वारा अपने को सिंगल होने का झांसा देकर झूठ बोलकर शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ संबंध बनाएगा। इस प्रार्थना पत्र में जो नंबर अंकित किया गया था उसकी आईडी किसी और लड़के के नाम से थी, इसलिए एसएसपी सर के द्वारा इस प्रार्थना पत्र की जांच साइबर सेल को दी गई। साइबर सेल के द्वारा पूरे इंस्टाग्राम की डिटेल, मोबाइल नंबर्स की डिटेल, लोकेशन आदि के आधार पर जब इस फैक्ट को प्रूव कर दिया गया कि आरोपी का नाम दानिश है, इसके तत्काल बाद थाना परतापुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का बयान 161 सीआरपीसी के अंतर्गत कराया जा चुका है। मेडिकल की कार्यवाही चल रही है। आरोपी युवक को गिरफ्तार किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्यवाही निर्धारित एसओपी के अनुसार प्रचलित है। इस लड़के का नाम दानिश अखलाक है और ये थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुदरी बाजार का रहने वाला है। लड़की का बयान 161 और 164 सीआरपीसी का, ये गोपनीय दस्तावेज होते हैं जिसको हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। दानिश अखलाक के पिता का नाम शाहिद अखलाक है। इन्वेस्टिगेशन के जो पॉइंट्स हैं, होटल में सीसीटीवी फुटेज है नहीं है, डिलीट की गई है या रहती ही नहीं है, ये सारे पॉइंट इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं, जिसको हम इन ड्यू कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अपने इन्वेस्टिगेशन और केस डायरी में एकोमोडेट करेंगे। इस स्टेज पे मीडिया के सामने हम इसको अभी डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे, और चूंकि प्रकरण एक लड़की से संबंधित है इसलिए बहुत सारी चीजों को हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड इश्यूज को शेयर भी नहीं करेंगे। वही मामले में दानिश ने युवती पर हनी ट्रैप के जाल में फंसाने का आरोप भी लगाया है और बताया है कि युवती ने ही मिलने की जिद की थी और युवती ने ही पहले इंस्टाग्राम पर रिक्वेस्ट भेजी थी। लेकिन बताया जा रहा है कि दानिश के खिलाफ पुलिस को सबूत मिले हैं, लेकिन अब जांच के बाद ही सच्चाई का पूरा पता चल सकेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।